उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। खासतौर पर गोंडा जिले की स्थिति भयावह है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, पूरे के पूरे गांव डूब चुके हैं। दरअसल घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे स्थिति काफी खतरनाक है। सब रोड के ऊपर है सब। हाँ अच्छा, आप लोग कैसे शहर जाते हैं? अरे सब ऐसे ही जाते हैं, पैंट वैंट के निकल जाते हैं, तो उधर से कौन सवारी करके निकल जाते हैं। यहाँ प्रशासन की तरफ से नाव वगैरह मुहैया कराएं? अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई डॉक्टर या कोई यहाँ आप लोगों से? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या ये जो नाव चला रहे हैं, ये नाव प्रशासन ने दिया है? नहीं अभी नहीं। अच्छा, ये लोग आप अपने खरीद के रख लेके लाए हैं? कितने घर यहाँ डूबे हुए हैं? ये डूबे हुए हैं, उधर डूबे हुए हैं, और उधर जाओगे तो डूबा रहेगा। कौन कौन सा गाँव डूबा हुआ है? बनगांव है देखो पूरा, और ये वो है नयापुरवा। अच्छा, जिनका घर आशियाना डूब गया है वो लोग कहाँ हैं फिलहाल? वो है सब ऊंचे स्थानों पर। हाँ वाह, सड़क पे। अच्छा, तो आप इसी नाव से जो राशन है, खाने पीने वाला सामान पहुँचाते हैं? हाँ। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कि पानी इतना न छोड़ा जाए। बाढ़ की वजह से लोग काफी निराश हैं, वे प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार को खुद देखना मांगता है, ग्राम प्रधान को देखना चाहिए, पंचायत का जो सदस्य है यहाँ का उसको स्वयं देखना चाहिए, संसद है यहाँ का जो स्पष्ट उसको देखना चाहिए। यहाँ से कुछ हम लोग क्या कर सकते? वोट दे दिया आपको, आप मंत्री हो गए, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप हम कुछ कर नहीं सकते आपको, आप क्यों 5 साल तक का नीचे हमको दबा के रखे। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।